दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज के लिए किस तरह का होने वाला है टीम इंडिया का स्क्वाड, जहां पर रोहित शर्मा जो है वो बने हैं कप्तान और एक बिल्कुल नया स्क्वाड हमें जो है वो आ सकता है नजर। आपको बताएंगे दोस्तों पूरी खबर, तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और दोस्तों, ओडीआई स्क्वाड में आप कौन से खिलाड़ी को देखना चाहते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, इस ओडीआई सीरीज को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि रोहित शर्मा को यहां पर एज अ कैप्टन जो है वो चुना गया है, विराट कोहली से ओडीआई की कप्तानी जो है वो छीन ली गई है। जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने 48 घंटे का टाइम विराट कोहली को दिया था कि विराट कोहली खुद जो है वो कप्तानी लीव कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली ने दोस्तों ऐसा नहीं किया, जिसके बाद कप्तानी जो है वो दे दी गई है रोहित शर्मा को। और यहां पर दोस्तों इस ओडीआई स्क्वाड को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि विराट कोहली ने अपने आप को जो है वो कर लिया है अनअवेलेबल, यानी कि विराट कोहली इस ओडीआई सीरीज में खेलना नहीं चाहते, वो हमें यहां पर साउथ अफ्रीका में होने वाली 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा इंजरी के कारण साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर हो चुके हैं, वो भी हमें यहां पर इस ओडीआई सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं दोस्तों जो खबर है वो है शिखर धवन को लेकर, जहां पर शिखर धवन की एंट्री टीम इंडिया के ओडीआई स्क्वाड में जो है वो हो सकती है। शिखर धवन को यहां पर अच्छे फॉर्म का फायदा मिल सकता है और साउथ अफ्रीका में जाते हुए वो हमें नजर आ सकते हैं। कुछ ये बड़ी बड़ी खबरें यहां पर जो है ओडीआई स्क्वाड को लेकर आ रही हैं। अब बात करें किस तरह का ओडीआई स्क्वाड टीम इंडिया का हो सकता है, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां पर आप क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। ये 85 प्लस ब्रांचों पर ऑपरेट होता है, 24/7 का आपको विड्रॉल मिलेगा, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नीचे दिए गए लिंक से अभी इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, यहां पर स्क्वाड की अगर बात करें तो रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन जैसे हमें बैट्समैन और विकेटकीपर बैट्समैन स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर और वेंकटेश अय्यर जैसे ऑलराउंडर हमें स्क्वाड में नजर आएंगे। स्पिनर की अगर बात करें तो युजवेंद्र चहल और आर अश्विन जैसे स्पिनर हमें स्क्वाड में नजर आ सकते हैं। वहीं फास्ट बॉलर की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज हमें एज अ फास्ट बॉलर स्क्वाड में जो है वो आने वाले हैं नजर। तो कुछ इस तरह का टीम इंडिया का ओडीआई स्क्वाड साउथ अफ्रीका दौरे के लिए जो है वो हो सकता है, जहां पर सबसे बड़ी खबर यही कि रोहित शर्मा जो है वो बन चुके हैं ओडीआई के कप्तान, विराट कोहली से कप्तानी जो है वो ले ली गई है और विराट कोहली इस ओडीआई सीरीज को भी मिस कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये स्क्वाड कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।